ईएमआई भी लिखा हुआ है, देखो 626। अगर आपको मालूम है, शायद मालूम होगा, आप अगर क्या खतरनाक कलेक्शन है, ये देखिए, ये है। चलो तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय स्वागत करता हूं आज के इस ब्लॉग पे। तो दोस्तों, वैकेशन खत्म, फिर से ब्लॉग शुरू। ब्लॉग मैंने बीच में डाला था कलकत्ता जाने के बाद भी, इंडिया जाने के बाद भी, लेकिन कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। तो मेरे को मालूम पड़ गया आप लोगों को सिर्फ दुबई का ही मज़ा आता है देखने में कार्स। हालांकि कुछ हद तक सही भी है कि इंडिया में जो कार्स अवेलेबल है वो इतने अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगे पर्सनली, जितना मुझे यहाँ पर खुद को मज़ा आता है कार देखने में या आपको दिखाने में। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है, आज मैं आपको टूर देने वाला हूँ दुबई के सेकेंड हैंड कार मार्केट का। तो कैसा है, कितना बड़ा है, पूरा टूर मैं आपको कराऊंगा और कोशिश भी करूंगा कि आपको मैं पूरा डिटेल्स में दिखा सकूं, आपको बताऊं कि कैसा है, नहीं है, प्राइजेस वगैरह, मॉडल वगैरह सब जितना हो सकता है मैं इन डिटेलिंग में इसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो अभी दोस्तों सुबह का 10 बज रहा है, तो अभी कुछ टेम्परेचर लगभग 33-35 का है और टेम्परेचर बिल्कुल रोमांटिक वाला है दुबई में। ये टाइम पर आने में दुबई में बहुत मज़ा आता है। और चलिए फिर ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए कितना मस्त ब्यूटीफुल यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे भी ग्रीनरी, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेंटेन काफी अच्छा करके रखे हैं। तो ये है दुबई का मार्केट। तो आज है फ्राइडे और मार्केट थोड़ा लेट खुलता है क्योंकि फ्राइडे है, नवाज का टाइम होता है, इनका प्रेयर का आज टाइम होता है, तो इसकी वजह से आज आपको देखेंगे पूरा खाली लिखेगा। लेकिन यही बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टाइम है आपको दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो रिस्ट्रिक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, भीड़ भाड़ कम रहता है और फ्रीली मैं घूम सकता हूँ। तो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ। एक ये पुराना वाला मार्केट है, एक और फेस है जो दूसरा सेकंड नया मार्केट है वो है, और एक और है यहाँ पे। ये एरिया पे क्या है कि इंपोर्ट जो भी होता है कार या एक्सपोर्ट जो होता है इस एरिया में रहता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चाइनीज़ कार भी देख पा रहे हैं, जेटूर बोल के है, वॉक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज़। देखिए ये कितना ज़बरदस्त है, ये तो वही है ईवी वाला टाइप का है। मैं आज आपको पूरा ऐसा कोई डिटेलिंग में कार नहीं दिखाऊंगा, जितना है मैं जस्ट एक टूर दिखा रहा हूं आपको, जहां पे कार्स की कैसी कलेक्शंस हैं सेकेंड हैंड की, वो जस्ट आपको मैं एक हल्का हल्का टूर दिखा रहा हूं। तो आज के वीडियो में ऐसा कोई मोटिव है नहीं कि मैं आपको प्राइजेस भरा, लेकिन हाँ, हालांकि जो सामने आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए यहाँ पे भी कैसे टोयोटो शेवरलेट, टोयोटो को भी, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं सामने से, ये देखिए यहाँ पे टोयोटो भी है, यहाँ पे टोयोटो रेंज है, यहाँ पे सुजुकी है, लेक्सस भी है। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत सा कार है, ये कलर ज़बरदस्त है, लेकिन ये बहुत पुराना है लग रहा है, ये कुछ मॉडिफाइड किया हुआ शायद, फोर्थ रनर 14th एनिवर्सरी 2023 कैनेडियन स्पेसिफिकेशन का है, 17 किलोमीटर है। ये लुक्स लुक्स काफ़ी यूनिक सा है ये वाला, देखिए नहीं ज़बरदस्त, ये मेरे को अच्छा लगा। चलिए थोड़ा पीछे भी देख लेते हैं, देखिए ऐसे ही मार्केट में जब आप घूमेंगे ना तो काफ़ी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए फोर रनर बहुत ही खूबसूरत टोयोटा को, ये मैं कभी देखा नहीं हूँ, बहुत ही यूनिक और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। अंदर से भी कुछ ऐसा लुक्स है, आई डोंट नो देख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये है कुछ स्पेसिफिकेशन, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कलर काफ़ी खूबसूरत सा है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हल्का एक स्पार्कलिंग आपको आई डोंट नो दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एडिट करूँगा तब दिखेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे टोयोटो का, यहाँ पे भी, ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत सा है, फोर्ड भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखिए क्या खूबसूरत है। थोड़ा मैं यहीं पे खड़े होके आपको दिखा दूँ, ये देखिए प्रेस्टीजियस कितना, मतलब वो प्रेस्टीजियस, ये देखिए कितना, जैसा नाम कंपनी का है प्रेस्टीजियस, वैसा इन लोगों ने कलेक्शन भी रखा है, क्या खतरनाक लेवल का कलेक्शन है। ब्रोंको 2021 का 610 किलोमीटर, मतलब काफ़ी हद तक एकदम नया ही बोल सकते हैं। बारबस का छोटा मोटा प्यारा सा कार यहाँ पे, वॉक्सवैगन्स भी है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए फिर थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे तो आपको जो कलेक्शन दिख रहा है ये मर्सिडीज, ये देखिए पीछे का कलेक्शन देखिए, ये देखिए
ग्रे ब्लू ये बहुत प्यारा सा कलर है, ब्लैक ग्रे बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ पे भी कुछ अच्छा बेंटले का। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, करते करते मेरा GoPro बंद हो गया। इतना हाई हीट हो जाता है, यही प्रॉब्लम है GoPro के साथ। चलिए फिर एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए मस्टैंग, क्या खतरनाक कलेक्शन है। ये देखिए ये है, चलो मार्केट का मैं आपको थोड़ा सा और टूर दिखाता हूँ। ये देखिए तो ऐसा कुछ मार्केट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त मस्टैंग लग रहा है, रेड कलर में। एक्चुअली ये रेड भी नहीं है, इसको कुछ हम लगभग लवेबल रेड में नाम दूंगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा रेड है, लेकिन है बहुत खूबसूरत सा। पीछे से देखते हैं थोड़ा कैसा कलेक्शन है। पैसा इसका है GT, वाओ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मैंने अलग लेवल का है। पता नहीं, आई डोंट नो कब मेरे को एक मौका मिलेगा। ये देखिए, आई डोंट नो मेरे को कब मौका मिलेगा ऐसे कोई गाड़ी खरीदने का, बट जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा डेफिनेटली। वैंगलर देखिए कितना मस्त लग रहा है, वाइट ब्लू रेड और कुछ येलो एंड ग्रीन कलर का मिक्स। जीप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कैडिलैक यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए कलेक्शन है भाई, दिस इज द समथिंग एल्स इन दुबई। मतलब मार्केट में निकलेंगे तो आपको ना ये गाड़ी छोड़ के वो गाड़ी लेना है, वो गाड़ी छोड़ के ये गाड़ी लेना है, ऐसा आपको फीलिंग होगा। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये देखिए यहाँ पे रैम का कलेक्शन रखा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आया हूँ, पहले जो आपको दिखा रहा था वहाँ पे सब के सब लग्जरियस वाले कलेक्शन थे, अब मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ ये मिड साइज़ के। साइज़ अगर कहूँगा तो मतलब ऐसा है कि जो लेवल जो है वो लग्जरियस वाला था, अब जो है एक मिडिल क्लास या जो नॉर्मल एक गाड़ियाँ होती हैं जो लग्जरी नहीं है वो टाइप का यहाँ पे कलेक्शन आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो देखिए सामने देख रहे हैं, वो जो है कलेक्शन ये सिर्फ इस साइड वाले जो देख रहे हैं यहाँ पे लग्जरियस देखिएगा। यहाँ से जो शुरुआत है वो मिड साइज के रेंज के है, जो लगभग 30,000 40,000 50,000 के रेंज में है। तो अगर ये मार्केट में आप आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को प्लीज़ बताइएगा कि आपको विजुअली प्रैक्टिकली मार्केट कैसा लगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ इसका नज़ारा है। यहाँ साइड में आपको देख पाएगा, यहाँ साइड में आपको देख पाएंगे कि लग्जरियस वाला, और इस साइड में आपको थोड़ा देखेंगे मिड साइज़ के रेंज वाला है। यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा, प्राइस भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं दिखाता जाऊंगा आपको। तो दोस्तों मैंने एक शारजा के ऊपर भी बनाया था कि वहाँ के सेकेंड हैंड मार्केट कैसे हैं, तो वो आप आइकॉन में भी देख पा रहे हैं। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि उधर का मार्केट का और इधर के मार्केट में कितना ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये देखिए यहाँ पे टोयोटो का, देखिए यहाँ पे EMI भी लिखा हुआ है। देखो 626 दिरहम में मंथली EMI में 40,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए और दूसरा, चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए निसान ब्रांड का, निसान ब्रांड का 1076 दिरहम मंथली EMI पे 74,000 है। लेकिन यहाँ पे हालांकि किलोमीटर वगैरह कुछ लिखा नहीं है, जब आप परचेस करने जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। एक और दिखा देता हूँ, ये प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। आप मेरे को कमेंट में बताइए कि इसका कौन सा ब्रांड है, ये लोगो देख के। ये देखिए अगर आपको मालूम है तो शायद मालूम होगा, आप अगर मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा ब्रांड है। चलिए मैं इसका डिटेल बता देता हूँ, 1,02,900 में 1,762, तो 1,762 मंथली EMI यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए निसान, ये सिर्फ शो पीस के लिए रखा हुआ है। देखिए जैसे मैं बोल रहा था अभी आपने थोड़ी देर में देखा लग्जरियस वाला देखा ना, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको मैंने दिखाया। अब देखिए यहाँ पे 72,000 में वॉक्सवैगन किया, जो सबसे छोटी मोटी गाड़ी है, पिकांतो इसको बोलते हैं। आप प्राइस देखिए 38,999, मतलब 39,000 में 611 में मंथली EMI आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी, यहाँ देखिए होंडा ब्लू कलर का कितना बस है। यहाँ पे देखिए 77,000 में 1,206 मंथली EMI में आपको मिल जाएगा। तो ये है कुछ ऐसा रेंज, बहुत सारा है, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। एक और भी मार्केट है, चलिए मैं उधर भी लेके जाऊँगा, लेकिन आज तो ये देखिए ये ऐसा पूरा है। तो ये देखिए ऐसा पूरा आपको सेकेंड हैंड कार देखने को मिल जाएगा। देखिए फिर से वही ब्रांड आया। तो और भी है, वहाँ पर भी एक मार्केट है, मेरे वीडियो तक बने रहिए। मैं वो वाला मार्केट
आज की वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेरे वोट्स वाले मार्केट का टूर मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।